इस वेले दी वड्डी अते शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। एक विद्यार्थी दे वल्लों अपने हैडमास्टर दा सिर फाड़ दिता गया है। जी हाँ, एक विद्यार्थी ने अपने ही हैडमास्टर दा सिर फाड़ दिता है। नाबालिग विद्यार्थी है यह। दस दिए कि बीते दिन हैडमास्टर दे वल्लों एक विद्यार्थी नू स्कूल अंदर पढ़ाई की जगह खेडन तो मना किया सी। जद विद्यार्थी लगातार कई घंटिया तक खेडता रहा तो हैडमास्टर ने आके उस नू डांटिया। बस इस चीज़ नू उस विद्यार्थी ने अपने मन दे विच धार लिया ते बदले दी भावना ले आया। तो दस दिए कि अगले दिन जिवें ही हैडमास्टर छुट्टी तो बाद स्कूल तो बाहर निकलता है तो उही विद्यार्थी हाथ दे विच राड़ लैके खड़ा होंदा है। जिवें ही मास्टर स्कूल तो बाहर पैर धरदा है, नाल ही वह विद्यार्थी मास्टर दे सिर ते रौड़ दे नाल हमला कर देता है, जिस करके मास्टर लहू लुहान हो जाता है तो उसनू हस्पताल भर्ती करवाना पिया है। तो वड्डी खबर सामने आ रही है, एक विद्यार्थी दे वल्लों अपने ही हैडमास्टर ते हमला किया गया। तो यह खबर चंडीगढ़ के सैक्टर 19 तो सामने आ रही है, जिथे 9वीं जमात दे विच पढ़ रहा एक विद्यार्थी जिसने गुस्से दे विच आके अपने मास्टर दा सिर पाड़ दिता। मास्टर की बस इन्नी कु गलती सी कि मास्टर ने उसनू खेडन लई रोक दिता ते कहा कि पढ़ाई करो, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई दे समय स्कूल अंदर खेड रहा सी। मास्टर ने बस उसनू रोकिया ते देखो इस विद्यार्थी ने खुंदक दे विच आके उसका की हाल कर दिता, रॉड दे नाल वार किया जिस करके मास्टर का सिर पाड़ गया है। हस्पताल दे विच सैक्टर 16 के हस्पताल दे विच भर्ती कराया गया है। 9वीं क्लास का स्टूडेंट है जिहड़ा विद्यार्थी आ उह नाबालिग दस्सिया जा रहा है ते पूरी वारदात नू इसने अंजाम कल्ले ने ही दिता है, इस दे नाल होर कोई साथी नहीं सन। हुण तक यही जानकारी सामने आ रही है। तो चंडीगढ़ के सैक्टर 19 का यह मामला है। दस दिए कि अज तो कुछ साल पहला विद्यार्थी अपने मास्टरां दे कोलों कंबदे सन, उन्हां दे नाम लैण तो डरदे सन, उन्हां दी इज्जत करदे सन। पर अजकल यह की देखण नूं मिल रहा है कि विद्यार्थी अपने मास्टरां ते हमला करना शुरू कर देंदे ने। देख सकदे हो कि चंडीगढ़ के सैक्टर 19 का एक स्कूल है जिथे एक मास्टर ने एक स्टूडेंट नूं अपने विद्यार्थी नूं खेडण तो रोकिया, वह भी स्कूल के अंदर जब खेड रहा सी मास्टर ने रोकिया। हैडमास्टर है, हैडमास्टर ने जब रोकिया ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੁੰਦਕ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਸਟਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 16 ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਰੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, 12:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਫੇਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ, ਇਹ ਸਰ ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈੱਡ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਰੋਡ ਉੱਥੋਂ ਰੋਡ ਚੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਦੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਗ 'ਤੇ 2 ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸਰ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਉਧਰ ਕਿਆ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਰ ਗਏ, ਗਿਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਕੜਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਕਸਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਪੀਟੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਾ। ਹੁਣ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਿਆ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਸ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਨੇ 100 ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਕੀਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਡਸਟ ਮਿਲ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। सर, क्या वो बच्चा पहले भी स्कूल में आ चुका था या उससे पहले? आप 3-4 दिन की बात कर रहे हो, लेकिन उससे पहले भी क्या उसका इंटरेक्शन हुआ है टीचर के साथ? स्टूडेंट था 9th क्लास का, तो 4-5 दिन से ट्रायल जो चल रहे थे सर के स्कूल में, हाई स्कूल में लड़कियों के ट्रायल चल रहे थे वहाँ पे क्रिकेट के, तो ड्यू टू दैट रीजन वो बार बार वहाँ फ्रिक्वेंटली आ रहा कई दिन से। तो सर ने कोई समझाया भी आप दूसरे स्कूल के बच्चे आप क्यों इंजेक्शन ट्रेड कर रहे हैं, ये टीचर मेरे हैंड से ड्यूटी बनती है। अब स्कूल में तो टीचर ही बच्चों के पेरेंट्स हैं, और अगर हम ना उसके करीब क्या हालात होंगे आप सोच सकते हैं। और अब ये अफसोस है, अभी तक कोई ऑफिशियली कोई भी मैनेजमेंट ऊपर से ऑफिशियली ना DOI कोई यहाँ तक नहीं पहुँचा। सर, कौन सी कक्षा का छात्र था? 9th क्लास का। सर, सिक्योरिटी को लेकर हम सारे गंभीर माहौल बनाया हुआ है जी, आप सामने है, हम तो अनसेफ है, कौन हम पढ़ाएंगे, अपनी सिक्योरिटी का क्या करेंगे हम, हमारी बात बच्चेदार है। और सर के बच्चे ये चोट तो बहुत गहरी लगी हुई है अभी भी,
अभी भी मतलब नॉट इन ए पोजीशन टू गिव एनी स्टेटमेंट। तो हम तो आपको खतरा हम तो पढ़ाना भी है, हम जिम्मे कहते हैं डिपार्टमेंट को भी करो, जब कोई जिम्मेवारी नहीं बैठी चल रही, अगर हम डिसेबल ना मेंटेन करें तो जिम्मे आप अपने आप पढ़ाए टीचर, हाँ तो हमने जिम्मेवारी प्रशासन की है। तो ये बतौर प्रेजिडेंट है, ये हमारे चेयरमैन साहब है, क्योंकि स्कूल में देखो बच्चों का डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे ऐसे ही बागी होते रहेंगे तो आगे क्या बनेगा समाज का, हमारे सबके लिए ये सोचने की बात है, चाहे वो डिपार्टमेंट है चाहे हम टीचर हैं। देखो जब स्कूल में बच्चा आ जाता है वो हमारा अपना बच्चा बन जाता है, तो अगर हम बच्चे को डांट भी नहीं सकते तो बच्चे को आगे समाज को चलाएंगे कैसे, कैसे सुधारेंगे? ना तो कोई यार्डस्टिक है, ना तो उनको फेल करने का कोई सिस्टम है, मार उनको सकते नहीं, डांट उनको सकते नहीं, तो कोई तो यार्डस्टिक होनी चाहिए ना कि कैसे रोके इन बच्चों को। अब जो ऐसे क्रिमिनल माइंड है उसके होता क्या है कि आज उसने किया है, कल को 10 बच्चे देख के उसको दोबारा वो भी बिगड़ेंगे। जब एक बार ऐसा होता है तो बाकी बच्चों का भी हौसला खुलता है अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिलती। तो लगता है कि इस फैसले में थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब दे नाल बिल्कुल चेंज करना चाहिए जी। अगर असी अपने समाज नु सुधारना है तो बच्चों नु सुधारना बहुत जरूरी है। ये जो नशा इतना बढ़ रहा है ना, सब तो वड्डा कारण यही है इनडिसिप्लिन का। गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे के बीच गुस्सा इतना ज्यादा हो गया, पेरेंट्स भी कुछ देखो एक एक दो दो बच्चे है, पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह सकते। जे बच्चे कुछ कहते हैं बच्चे पेरेंट्स भी या असीं भी, कल नूं बच्चा वे घरों भजदा, तो इस करके बहुत मुश्किल टाइम है। इहनूं बैठ के सोचण दी जरूरत है, एक सोसाइटी बैठे, पेरेंट्स बैठन, असीं टीचर्स बैठन, डिपार्टमेंट बैठे, अपने आने वाला जिहड़ा भविष्य है, जिहड़े साडे बच्चे आ उहनां दा जिहड़ा भविष्य है बनाना, तां असीं बनाना या पेरेंट्स ने बनाना। इस मामले विच कार्रवाई नहीं हुई ते अगला रुख की होगा तुहाडे एसोसिएशन? देखो कार्रवाई तां होनी चाहीदी है, जे कार्रवाई नहीं हुंदी फिर सानूं इहदे उत्ते स्ट्रिक्ट एक्शन लैणा पवेगा। असीं डिपार्टमेंट नूं रिक्वेस्ट करांगे, पुलिस डिपार्टमेंट नूं भी रिक्वेस्ट करांगे कि इहदे अगेंस्ट जो भी लीगल कार्रवाई बनदी आ उह जरूर होनी चाहीदी।